नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आरती। कर्नाटक में सियासी दावपेच और जोड़ तोड़ करके कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार के भीतर जबरदस्त खींचतान मची हुई है। आलम यह है कि कुमार स्वामी आए दिन गठबंधन की मजबूरियां गिनाते नजर आते हैं। शनिवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान कुमार स्वामी का दर्द एक बार फिर छलक पड़ा और वो कार्यक्रम में बोलते बोलते भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार चलाना उनके लिए बोझ बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो भगवान नीलकंठ की तरह गठबंधन की सरकार का जहर पी रहे हैं। दरअसल चेन्नई में जेडीएस के कार्यकर्ताओं ने किसानों की कर्ज माफी के लिए कुमार स्वामी को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया था। जब कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि आपका अन्ना यानी बड़ा भाई सत्ता में आ गया है। लोग खुश थे, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसी सरकार का मुखिया बनने में मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हो रही, जिसे स्पष्ट जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के लिए उन्हें अधिकारियों की कितनी मिन्नतें करनी पड़ी वो ही जानते हैं। वो चाहते हैं कि अन्ना भाग्य योजना में 5 किलो के बजाय 7 किलो चावल दिए जाएं, लेकिन इसके लिए 2500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अगर टैक्स लगाता हूं तो उसकी आलोचना होती है। कुमार स्वामी ने चुनाव के दौरान उन्हें कम सीटें मिलने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चुनावी रैलियों में लोग उन्हें सुनने के लिए तो पहुंचे, लेकिन उतने वोट नहीं दिए। आपको बता दें कि जब से कर्नाटक में सरकार बनी है तभी से कांग्रेस और जेडीएस के बीच तालमेल की कमी नजर आ रही है। कुमार स्वामी इससे पहले भी गठबंधन को लेकर अपनी मजबूरियां जता चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।